क्वेश्चन नंबर टू, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर मैं टेन इनवर्स से टेन को कैंसिल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सेवन पाई बाय सिक्स मिलेगा, है ना। पाई बाय सिक्स मतलब थर्टी, थर्टी इंटू सेवन मतलब टू हंड्रेड टेन। तो इसे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 180 प्लस 30, चाहे ऐसे कर लो चाहे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे कर लो। 210 किसके पास है? 180 के पास है, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ पाए, ठीक है, 180 के पास है इसलिए मैं पाए यूज़ कर रहा हूँ। पाए मतलब 180 माइनस जो भी हमारा ये 7 पाए बाय 6 कर दो, माइनस 7 पाए बाय 6 हमें क्या मिलेगा? एलसीएम लोगे तो 6 पाए माइनस 7 पाए बाय 6 मतलब माइनस पाए बाय 6। तो इसे इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ ताकि हमें 7 पाए बाय 6 की वैल्यू मिल जाए। तो हमें क्या मिलेगा? पाए ये नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव जाएगा, तो पाए प्लस पाए बाय 6 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है इस साइड आके पॉजिटिव जाएगा, तो 7 पाए बाय 6। तो हमें 7 पाए बाय 6 की वैल्यू क्या मिली? पाए प्लस पाए बाय 6। यहाँ पे भी यही मिल रही थी, 180 मतलब पाए और 30 मतलब पाए बाय 6, है ना, एक ही बात है, चाहे कैसे भी कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, इसे कुछ मान लो, y मान लेते हैं ताकि पूरा ना लिखना पड़े हमें। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन, 7 पाए बाय 6 की जगह पर लिखने वाला हूँ मैं पाए प्लस पाए बाय 6, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट। फिर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो 10 पाए प्लस पाए बाय 6 क्या आएगा हमारा? 10 180 प्लस थीटा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है हमारा, तो हमें क्या मिलेगा? 10 थीटा मिलेगा, मतलब 10 पाए बाय 6 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ? तो चेक कर लो 10 की जो रेंज है वो क्या है, माइनस 90 से 90, माइनस पाए बाय 2 से पाए बाय 2, तो माइनस 90 से 90 के बीच में क्या पाए बाय 6 मतलब 30 30 आती है? बिल्कुल आती है। तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि रेंज में आ रही है। अब पहले हमने कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि रेंज में नहीं आ रही थी। तो हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू पाए बाय 6 जो कि बिलोंग करती है रेंज में टेन इनवर्स के, माइनस पाए बाय 2 से पाए बाय 2 ओपन ब्रैकेट, माइनस पाए बाय 2 से पाए बाय 2 ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर आ गया। ओके okay?